हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुर्ता पजामा फॉर मैन। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है। और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप आने वाली हमारी और भी वीडियोज़ को आप ईजिली देख पाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली बॉयज़ के लिए है। वीडियोज़ में आपको कुर्ता पजामा देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। आई होप आप जो अपने ढूंढ रहे हो वो आपको इस वीडियो में इजीली मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको डिफरेंट कलर के कुर्ता पजामा, डिफरेंट डिजाइन के कुर्ता पजामा मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में जो भी डिजाइन आप देखेंगे वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ अगर आप अपने लिए कुर्ता पजामा बनवाने की सोच रहे हैं जो काफी ट्रेंड में चल रहे हैं, वो आप डिजाइन देख सकते हैं। इवन आप चाहें, अगर आपने कुछ ऑनलाइन अपने लिए सोच के रखा है या आपने आप कुछ मार्केट से लेना चाहते हैं, तो आपको हमारी आज की इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लिस्ट में सबसे पहले है फ्लोरल प्रिंट मैन एंड कुर्ता पजामा। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। आप चाहें तो इनको डे टाइम के लिए पहन सकते हैं और जो इसका प्रिंट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। इवन इसमें कलर्स भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लाइक आपको ग्रीन, पीच, बेबी पिंक, ब्लू, बेबी ब्लू, ये सारे कलर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसमें शिमरी बॉर्डर कुर्ता भी आप इसमें आपको ईजिली मिल जाएगा। और जो इसका फ्लोरल प्रिंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है और ये बहुत ही हैवी नहीं होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, जो बहुत ही क्लासी लगते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुर्ता विथ धोती पैंट्स। ये भी बहुत ज़्यादा क्लासी है, ये बहुत ट्रेडिशनल आउटफिट है। आप चाहें तो इसको वेडिंग के लिए या फेस्टिवल के लिए आप पहन सकते हैं। इसमें आपके लिए कुर्ता रहेगा और पैंट की जगह पे यहाँ पे धोती पैंट रहेगा। ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये सबसे बेस्ट रहता है फेस्टिवल के लिए, कल्चर्स के लिए, इवेंट के लिए। और जो उसकी धोती रहती है वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती है और इसमें आपको बहुत सारे कलर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। ये लुक बहुत ही प्यारा लगता है। नेक्स्ट हमारा है हैरम पैंट्स विथ कुर्ता। ये लुक बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है, आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। एक तो इसके साथ में जो कुर्ता और धोती है वो दोनों की जो ट्विनिंग है वो काफ़ी कूल और एलिगेंट लुक देती है, स्पेशली फेस्टिवल के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कोई जो टॉल है अगर वो हैरम पैंट्स को पहनते हैं तो उसका अलग ही लुक आता है, क्योंकि वो एक तो एंकल तक आते हैं और बहुत ही एलिगेंट लुक देते हैं। नेक्स्ट हमारा है अलीगढ़ पजामा विद मैन कुर्ता। ये बहुत ही न्यूएस्ट एंड स्टाइलिश इनोवेशन है। जो इसका बॉटम स्टाइल है वो कुर्ते के साथ वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और आप उसको ईजिली पहन सकते हो विदाउट एनी डाउट। इसके साथ में अगर आपने स्ट्रेट कुर्ता लिया या फ्लेयर कुर्ता लिया है, जैसे कि लाइक आजकल जो लड़कियाँ पहनती हैं प्लाजो टाइप का, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है, डिफरेंट लुक देता है। आपने करंटली देखा होगा कि मनीष मल्होत्रा के मैन कलेक्शन शोकेस में आपने ये देखा होगा, ये अलीगढ़ पजामा विथ मैन कुर्ता काफ़ी ट्रेंडिंग में है। आप इसे देख रहे होंगे आजकल शादियों में, फेस्टिवल में ज़्यादातर लड़के इसी को प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है जोधपुरी पैंट विद कुर्ता। ये एक इंडो वेस्टर्न लुक है जोधपुरी पैंट और कुर्ते का, जो कि बहुत ही परफेक्ट लगता है अगर आप इसको वेयर करते हैं। इसके साथ में अगर आपने इसमें सोबर कलर का अगर आपने इसका जो पैंट लिया हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। इवन आप चाहें तो डार्क कलर का आप इस पर कुर्ता ले सकते हैं और सोबर कलर का अगर आप नीचे बॉटम का पजामा या पैंट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट करवा के पहनते हैं इस आउटफिट को, तो ये आउटफिट बहुत ही कूल लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट हमारा है हाई लो कुर्ता पजामा। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जो इसका कुर्ता रहता है वो आपका मतलब अप एंड डाउन रहता है और इसका जो पजामा रहता है वो तो नॉर्मली रहता है। आप चाहें तो अगर आप इसको अगर आप कुर्ता का डार्क कलर लें और पैंट का अगर आपके पजामे का अगर आप वो वाइट कलर लें, बहुत ही स्टाइलिश लगता है, बहुत ही डिफरेंट लगता है। अगर आप इसके साथ में कुछ ब्राउन शूज़ एसेसरीज़ में या क्रिंकल स्कार्फ अगर आप ट्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक फ्लॉन्ट सिंपलिस्टिक वाइब्स आती है और ये बहुत ही डिफरेंट लगता है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की हमारी आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।